नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब अपनी 2 दिवसीय यात्रा पूरी कर स्वदेश लौटे हैं। मोदी नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के विशेष विमान से पहुंचे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी और सऊदी अरब के शीर्ष शाही नेतृत्व के बीच दोनों देशों के संबंधों व सहयोग को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की गई है। दोनों देशों ने आपसी सहयोग के अहम मुद्दों पर तत्काल निर्णय के लिए एक संयुक्त सामरिक भागीदारी परिषद के गठन का निर्णय लिया। केजरीवाल सरकार महिलाओं के बाद अब बुजुर्गों और विद्यार्थियों को भी बसों में मुफ्त सफर करा सकती है। सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि महिलाओं के मुफ्त सफर की योजना से मिले अनुभव के आधार पर बुजुर्गों और विद्यार्थियों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। जानकारी के अनुसार वीडियो संदेश में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सारे काम एक साथ पूरे नहीं किए जा सकते, लेकिन दिल्ली सरकार इस दिशा में आगे काम करेगी। तमिलनाडु के 6 जिले भारी बारिश का सामना कर रहे हैं। तूतीकोरन, थेनी, वेल्लोर और रामनाथपुरम के सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसे लेकर मौसम विभाग ने हाई अलर्ट भी जारी किया है। स्वीडन की 16 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने पर्यावरण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जलवायु आंदोलन के लिए विज्ञान को सुनने की जरूरत है, ना कि अवार्ड लेने की। युवा जलवायु कार्यकर्ता ने फ्राइडेज फॉर फ्यूचर मूवमेंट में लाखों लोग शामिल हुए थे। जानकारी के मुताबिक स्टॉक होम में नॉर्डिक काउंसिल ने उन्हें सम्मानित किया था। थनबर्ग को स्वीडन और नॉर्वे में अपने काम के लिए नामित किया गया था और संगठन का वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। अलीगढ़ के रेलवे रोड स्थित करीम चौराहे के पास एक बिजली की दुकान में आग लगी। आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने मामले की सूचना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 5 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि दुकानदार रवि शर्मा शाम को दुकान बंद करके चले गए थे। उसके बाद लोगों ने सूचना दी कि उनकी दुकान में अचानक आग लग गई। उन्होंने बताया कि आग से करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ललितपुर में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार महिला ने जहरीले पदार्थ का सेवन किया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे कार्रवाई कर रही है। मैनपुरी के बिछवा कस्बा में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। इससे बाइक चला रहा युवक डिवाइडर से टकरा गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। ये घर से मैनपुरी के लिए ये सामान लेने आ रहे थे भैया दोज का, और ये निकले थे, और ये वापसी में जाते समय और अज्ञात वाहनों ने टक्कर मार दी, जिससे ये डिवाइडर में लगे और गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला अस्पताल जैसे आए उन्हें मृतक घोषित कर दिया। सीतापुर में मछरेटा रोड के कब्रिस्तान में एक युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। युवक की हत्या नृशंस तरीके से की गई थी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि युवक मिश्रित का रहने वाला था, उसके एक महिला से नाजायज संबंध थे। पुलिस को शक है कि इसी वजह से उसकी हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। काशी को सुंदर बनाने का प्रयास जारी है। लोग अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में नवनियुक्त नगर आयुक्त के नेतृत्व में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूरे नगर निगम कर्मियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। शहर के मलदिया स्थित टाउन हॉल के मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर वाराणसी की मेयर मृदुला जायसवाल ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और कहा कि नगर निगम का ये प्रयास सराहनीय है। कार्यक्रम के बाद लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। आज नगर निगम के द्वारा दीपावली पे अपने छुट्टियों का बलिदान देकर के हमारे सफाई कर्मचारियों ने पूरे शहर को साफ करने की पूरी कोशिश की है। उनके सम्मान में हमने ये कार्यक्रम किया।